गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन अपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज नया फैमिली लेते हैं 16 ग्रुप एलिमेंट। 16 ग्रुप एलिमेंट क्या होते हैं बेटा? 16 ग्रुप एलिमेंट में होती है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट से दोस्ती कर लें। इनको याद करने का तरीका आपको याद होगा, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। Here the polonium is the radioactive elements. 16 group element है बेटा। और general configuration इनका note कर लें, NH2 NP4। तो valence cell में 6 electron होते हैं। How many electrons in the valence cell? 6. 6 है तो इनकी tendency क्या रहेगी? Electron 2 gain करने की। तो इनकी general oxidation state इस family की होती है -2 और they are generally जो considered as non-metals। इसमें भी वही बात है, ये purely दोनों non-metal होते हैं। क्या होते हैं? दोनों नॉन मेटल्स। ये मेटलॉइड टेंडेंसी शो करते हैं, मेटलॉइड। और बेटा पोलोनियम मेटल है लेकिन ये रेडियोएक्टिव है, रेडियोएक्टिव पोलोनियम। मैडम क्यूरी जो होती है उसका पोलैंड का कंट्री था, उसी के हिसाब से इसका नाम पड़ा पोलोनियम। ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो है, इसकी स्टडी नहीं होगी, रेयर अर्थ है और लगातार डिसइंटीग्रेट होता रहता है, अल्फा बीटा गामा रेस निकलती रहती है। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। प्यारे बच्चों, फर्स्ट पहला क्वेश्चन ही बन जाता है इस चैप्टर में, व्हाई द 16 ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज चैल्कोजेंस। इनको चैल्कोजेंस कहा जाता है। चैल्कोजेन एक ग्रीक वर्ड है और इस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग टेंडेंसी, यानी एक्चुअली ब्रास के लिए यूज हुआ, ब्रास और उसके कंपाउंड। ठीक है, ब्रास क्या होता है बेटा? एक एलॉय होता है जिसमें मेटल कॉपर के साथ जनरली मिक्स होते हैं। कॉपर, जिंक जो होता है ये होता है ब्रास, ब्रॉन्ज होता है कॉपर के साथ एसन। तो एलॉय के लिए ये वर्ड यूज होता है और इनकी जो ओर होते हैं वो एलॉय के साथ यानी कंपाउंड बनाने की एक टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो ड्यू टू ओर फॉर्मिंग टेंडेंसी, ओर बनाने की टेंडेंसी के कारण इनको चैल्कोजेंस कहा जाता है। कैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस नॉट किया जाए। ठीक है बेटा, और इंपॉर्टेंट ओर्स इनके जो सोर्स हैं जो कहाँ मिलती है, इनकी अक्रेंस क्या है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है केमिस्ट्री में, कुछ ओर्स है वो याद होने चाहिए। तो ये है बेटा जिप्सम। सबसे पहला है जो ऑक्सीजन और सल्फर होते हैं इनके कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं जिप्सम। ये राजस्थान में मेनली मिलता है बेटा और वो है कैल्शियम CaS4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट होता है। एप्सम सॉल्ट, जिप्सम की तरह एप्सम सॉल्ट भी फेमस है, वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7H2O। नोट करें इन फॉर्मूले को, नोट डाउन करें, लिख लें, याद आता है। व्हाट इज द गैलेना? लेड सल्फाइड। सल्फाइड ओर्स जो होते हैं वो गैलेना के नाम से जाने जाते हैं, सल्फाइड बेटा। इसी तरह से जिंक ब्लेंड ZnS, ये तीनों नीचे वाले जो है ये सल्फाइड ओर है प्रसिद्ध। इसी तरह से कॉपर पायरेटीज, कॉपर इज द मेनली ऑब्टेन इन द कॉपर पायरेटीज, द मेन ओर ऑफ द कॉपर इज कॉपर पायरेटीज, CuFeS2 इसका जनरल फॉर्मूला बेटा। जिंक ब्लेंड क्या होता है? ZnS। ओके, इस फैमिली की जो मेन गैस, जो मेन जो ऑक्सीजन है वो है डाई ऑक्सीजन। वॉल्यूम ऑक्सीजन का अपने एनवायरमेंट में ऑक्सीजन गैस कितने वॉल्यूम में होती, तो सिर्फ और सिर्फ जो है 20.94 यानी 21% करीब, 21% करीब अपने वॉल्यूम में ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन इसके जो मास होता है कंपाउंड्स के अंदर वो होता है 46.6% इसका मास होता है प्यारे बच्चों। तो ये है इसका जनरल इंट्रोडक्शन है बेटा। अब अपन देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फैमिली। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए बेटा। अब अपन क्या लेते हैं? अब लेते हैं अपन इसके सल्फर के भी सोर्सेस। सल्फर ली मेन, आप देखोगे सल्फर जो होती है ना फ्री स्टेट में कहाँ मिलती है? यूं तो कंपाउंड में तो इनके ये रहे सल्फर के ओर्स, गैलेना है, जिंक ब्लेंड है, कॉपर पायरेटीज है, लेकिन फ्री स्टेट में भी सल्फर मिलती है। और वो कहाँ मिलती है? जितने भी ये आंसू आते हैं ना, प्याज को काटते हैं, ओनियन है, लहसुन यानी गार्लिक है, ठीक है ना, सरसों है, प्रोटीन है, इन सब में सल्फर फ्री स्टेट में मिलती है। आप सोचेंगे राइट द सोर्स ऑफ द सल्फर, फ्री स्टेट में कहाँ कहाँ मिलती है सल्फर, सल्फर के सोर्स आपको बताना है, लिस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ द सल्फर। तो सल्फर सोर्स जो होते हैं वो क्या क्या है? ओनियन है, गार्लिक है, ठीक है ना, प्रोटीन्स है, अंडा वगैरह, एग है उसमें, ठीक है ना, मस्टर्ड है, सरसों है, ठीक है ना, इन सब में क्या मिलती है? सल्फर इज प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट इन दीज ओट्स। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें देखते हैं अपन क्या कि इनके
प्रॉपर्टीज क्या है, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले आप ये देखते हैं इस प्रॉपर्टीज में, इनकी प्रॉपर्टीज में देखते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखते हैं, फिर इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वगैरह देखेंगे। तो नोट करें आप इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में अपन सबसे पहले तो ले लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फेमस है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आनी चाहिए। द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस फैमिली इज माइनस टू, क्योंकि जनरल कॉम्प्लिकेशन होता है NS2NP4, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। तो नॉर्मल ये है बेटा ऑक्साइड सल्फाइड, ये है बेटा ऑक्साइड, ये है सल्फाइड, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है यार बच्चों। लेकिन एक्सेप्शनल बहुत आती है, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, सबसे पहला एक्सेप्शन है O2 2-, ये है बेटा परऑक्साइड। इसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, परऑक्साइड। परऑक्साइड में क्या होती है ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन की -1। अब निकाल के चेक कर सकते हैं कैसे निकलती है ऑक्सीजन स्टेट, 2x = -2, x की वैल्यू क्या आई बेटा 2/2, ये आ गई -1। तो रटने की जरूरत नहीं है, परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या मिलती है -1। कंपाउंड है हाइड्रोजन परऑक्साइड है, सोडियम परऑक्साइड है, यह मिल जाएगी। इसी तरह से आता है सुपरऑक्साइड O2-2, ये होता है सुपरऑक्साइड, ये भी एक्सेप्शन है। जैसे पोटेशियम सुपरऑक्साइड बहुत ही फेमस कंपाउंड है, पोटेशियम सुपरऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट आईआईटी में आता है। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या आती है -1/2, क्या आएगी बेटा -1/2 आएगी, कैसे आएगी 2x = -1, तो x की वैल्यू क्या आएगी चेक कर लीजिए -1/2। ये अच्छे क्वेश्चन है ऑक्साइड की, ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड। एक ऐसा कंपाउंड बताइए जिसमें ऑक्सीजन +2 ऑक्सीजन स्टेट होती है बेटा OF2, ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। दुनिया में एक ऐसा कंपाउंड है मतलब जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट प्लस हो जाती है, क्यों, क्योंकि F आ गया, F की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है तो इसमें सबसे ज्यादा अपनी स्टेट आएगी +2। आप निकालो तो निकाल सकते हो x + 2 × -1 = 0, ये आ जाएगा आपके x = +2। और O2F2 ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन +1 स्टेट में भी मिलता है। तो प्यारे बच्चों ये 4 एक्सेप्शन जरूर आप साथ साथ में नोट करेंगे कि इस फैमिली के ये तो क्या है अच्छे से एक्सेप्शन है, कौन कौन से, परऑक्साइड सुपरऑक्साइड OF2 और ठीक है ना जनरल ऑक्सीजन स्टेट आपके नॉर्मल ऑक्साइड हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको आनी चाहिए थी। उसके बाद में अपन देखते हैं बेटा ऑक्सीजन फैमिली के जैसे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी देखेंगे अपन इसमें, जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जनरल प्रॉपर्टी जैसे साइज, साइज अपन को बताओ टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, तो इसमें कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन बन भी नहीं रहा बेटा। लेकिन जहां क्वेश्चन बनता है जैसे ये है आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आप देखते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है, और ये ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती तो कम होती है, लेकिन फुल ठीक है ना डिक्रीज इसकी तो सबसे ज्यादा बेटा। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो नहीं बढ़ती बेटा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ती है ठीक है ना। हाँ तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर से नीचे जाते हैं तो डिक्रीज होती, लिखा है डिक्रीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये डिक्रीज होती है ऊपर से नीचे। लेकिन सल्फर एक्सेप्शन है, क्वेश्चन बनना ही बनना है व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा नेगेटिव हो जाती है मतलब ज्यादा जल्दी ऐड होता है ऑक्सीजन में ठीक है ना। तो इसका रीजन है वही एक्सेप्शन, ऑक्सीजन अपनी फैमिली से क्या करेगी एबनॉर्मल बिहेवियर शो करती है बेटा ठीक है ना। इसमें सल्फर क्या होता है थोड़ी बड़ी साइज, इसके पास वैकेंट डी है तो इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो जाता है ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या आएगा Why electron gain enthalpy of electron gain
एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर, यानी मोर नेगेटिव, मतलब ज्यादा रिलीज होती है एक्सोथर्म, ठीक है ना, ठीक है ना, एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर, व्हाई, ये क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है ना। तो आंसर है इसका ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ, स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, नॉट इजी ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देयर इज रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, देयर इज सम रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है और पहले से इलेक्ट्रॉन है, छोटी साइज है, पहले से डेंसिटी ज्यादा है, तो आने वाले को क्या होगा, रिपेल करेंगे बेटा, बिटवीन इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू दिस जो है इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज हायर देन ऑक्सीजन। तो बेटा ये क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। इसके अलावा इसमें आ जाते हैं अपन एक्सेप्शन की बात करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इनके हाइड्राइड्स की बात कर लेते हैं। हाइड्राइड्स में क्या होता है, देखो यहाँ ऑक्सीजन हाइड वाटर बनता है, यहाँ H2S बनेगी, यहाँ सेलेनियम हाइड्राइड या टेल्यूरियम हाइड्राइड या पोलोनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड्स होते हैं आपके वाटर और H2S वगैरह। तो प्यारे बच्चों इन दोनों में से हैवी कौन होगा, सल्फर, मास ज्यादा सल्फर का है, तो सल्फर तो पास पास होना चाहिए मॉलिक्यूल, तो सल्फर सॉलिड होना चाहिए, लेकिन सल्फर गैस है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर जो है ज्यादा होना चाहिए, हो जाता है वाटर का। तो क्वेश्चन एक कंफर्म क्वेश्चन है जो हर एक राजस्थान बोर्ड में तो कंफर्म एग्जाम में आया है, H2O लिक्विड व्हाइल H2S गैस, व्हाई, H2O लिक्विड होता है, H2S गैस हो जाती है, क्यों, जबकि बारी ये है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक था, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और जरूर नोट करें, इस चैप्टर में साथ साथ में एक्सेप्शन के क्वेश्चन आंसर भी करते जाए तो फायदे में रहेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा, H2O इज लिक्विड व्हाइल H2S इज गैस, व्हाई, क्वेश्चन H2O लिक्विड होता है, H2S गैस होते, क्यों, तो सिंपल आंसर है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है प्यारे बच्चों, इसलिए क्या होता है ये मॉलिक्यूल पास पास आ जाता है एसोसिएशन और ये क्या बन जाता है लिक्विड, ठीक ना। तो ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, ठीक है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, एटम मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएट, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर associated and it became liquid while there is no hydrogen bonding in H2S, it is gas, molecule associated नहीं होंगे तो ये क्या है बेटा, गैस होती है। प्यारे बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, अपन इसमें ऐड करते हैं बेटा, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। हाँ बेटा, अब लेते हैं डाई ऑक्सीजन की लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब ऑक्सीजन को डाई ऑक्सीजन क्यों कहते हैं, कि कभी कोई भी जो है एटम की फॉर्म में हमेशा अनस्टेबल रहता है, वो क्या रहता है बेटा, अनस्टेबल रहता है, इसलिए वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहती है, तो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन थोड़ी मिलती, डाई ऑक्सीजन मिलती, तो O2 की फॉर्म में रहती बेटा। और इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन देख लेते हैं, इट इज द प्रिपेयर्ड बाय द क्लोरेट्स एंड परमैंगनेट्स। क्लोरेट्स क्या होते हैं,
ये पोटेशियम क्लोरेट में क्या होता है, ये पोटेशियम क्लोरेट KCl3 क्लोरेट्स और परमैंगनेट्स होते हैं MnO4-। ये जनरली परमैंगनेट्स और क्लोरेट से मिलती है। तो पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला है KCl3। इसको यदि मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में गर्म किया जाए, मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल दी जाए बेटा, तो ये बनाता है एक तो KCl प्लस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगा दो। ये ऑक्सीजन की लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। ये ऑक्सीजन को डिस्कवर्ड करने के लिए तो उसी इसमें जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड से सीली ने इसको बनाया था बेटा। लेकिन इसका मेनली जिसको लैब में प्रिपेयर करते हैं, मेन इसको बनाया जाता है वो क्लोरेट्स और पर मैग्नेट से बनाया जाता है। तो ये पोटेशियम क्लोरेट इसका और मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है डालते बहुत तेजी से ऑक्सीजन निकलती है बेटा। ये लैब के अंदर अपन कर सकते हैं इसी तरह से। ये तो है हॉट मेथड, इसमें तो गर्म करना पड़ता है, लेकिन बिना गर्म करे हाइड्रोजन परऑक्साइड से बनाई जाती है ऑक्सीजन। जितनी भी ये जो मेडिसिन होती है अपने जितने भी ईयर ड्रॉप है, आई ड्रॉप है, उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है। ये फ्रिज में रखते हैं याद हो तो, कोल्ड में, क्योंकि गर्म करोगे तो ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगी तो उसका फंक्शन जो है काम नहीं करेगा। तो ये मेडिसिन के अंदर ये एंटीसेप्टिक है बेटा, हाइड्रोजन परऑक्साइड फेमस। इसको कहाँ रखता है, कोल्ड ठंडे में, और ठंडे में जो ये थोड़े से खुले नॉर्मल टेम्परेचर पर रखोगे आपको क्या दे देगी, वाटर दे देगी और साथ में ऑक्सीजन आ जाएगी। और इसको अपन बैलेंस करने के लिए यहाँ बोलिए अपन टू लगा देते हैं, ठीक बेटा। तो ये देखिए आप, इसमें कोल्ड मेथड यानी इसमें गर्म करने का निशान नहीं लगाना है, यहाँ पर ये गर्म का निशान लगाना है। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कोल्ड मेथड में किससे बनाई जाती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड से प्रिपेयर किया जाता है। इसी तरह से कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ऑक्सीजन गैस का कलरलेस गैस है, ऑर्डर कुछ भी नहीं है, खुशबू कुछ भी नहीं आती इसकी, ठीक है ना। और ऑक्सीजन यदि है तो फिर वो खुद जलती नहीं है, जला देती है, दूसरों को जलाने में सहायक है। एक जगह आग लगती तो सब जगह फैल जाती है। तो ऑक्सीजन मिलेगी तो वहाँ जलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगी तो वहाँ जो है बर्न नहीं होगा। तो ऑक्सीजन जलती स्वयं खुद नहीं जलती है, सेल्फ इन्फ्लेमेबल नहीं है। हाइड्रोजन तो खुद जलती है, ठीक है ना, ब्लू फ्लेम के साथ में। ऑक्सीजन जलती नहीं है, ऑक्सीजन जहाँ होगी वो जलने में सहायक है, ठीक है, सपोर्ट करती है। और इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती है प्यारे बच्चों, इसलिए कि मछलियाँ वगैरह यदि ऑक्सीजन की कमी होती है, तेल डाल दो पानी के अंदर तो मछलियाँ मर के ऊपर आती है। इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन क्वांटिटी सफिशियंट है कि भाई रे, और उसमें कुछ ऑक्सीजन कमी कर दो तो उसमें आपके एक्वेटिक लाइफ यानी जीव जंतु है वो सब मरने लग जाएंगे। तो क्या है बेटा, इट्स सॉल्युबिलिटी इन द वाटर इज द एक्सटेंट ऑफ 3.08 ml इन 100 ml। 100 ml के अंदर केवल 3.0 ml, ठीक है ना, 3.0 ml ही डिजॉल्व है, ठीक है ना। 100 ml के अंदर केवल 3 ml होती है, यानी 3% ऑनली हो, ठीक है ना। इट इज जस्ट सफिशियंट फॉर द वाइटल सपोर्ट ऑफ द मैरिड एक्वेटिक लाइफ, और केवल जीने के लिए होता है ना सहायक, ठीक है, उतनी ही है। यदि आपकी ज़्यादा कोई पॉल्यूशन होगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो एक्वेटिक लाइफ के लिए खतरा बना रहता है प्यारे बच्चों, इसलिए ये है जनरल, ठीक है ना। और ये तो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये गोल्ड और प्लेटिनम AU और PT से रिएक्शन नहीं करती है। गोल्ड तो स्टेबल मेटल होता है, उससे रिएक्शन नहीं करती है, बाकी सारे मेटल से ऑक्सीजन की रिएक्शन आनी चाहिए बेटा। ये जो रिएक्शन बता रहा हूँ उसको कंप्लीट करना भी बच्चों को नहीं आता है। तो केमिकल रिएक्शंस में आपको क्या आनी चाहिए बेटा, कि ये तो ये गोल्ड AU और प्लेटी सोना, और इसको छोड़ दो, सोना तो सोना होता है भैया, गोल्ड गोल्ड किसी से रिएक्शन नहीं करता है, सबसे स्टेबल मेटल है प्लेटिनम। इनसे ऑक्सीजन भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करती है, बाकी तो सबसे रिएक्शन करके क्या कर बना देती है, ऑक्साइड्स बना देती है। यानी सोना क्यों पहनते हैं, सोना प्लेटिनम के ऑर्नामेंट्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये सोना रिएक्शन ही नहीं करता, ऑक्साइड बनाता ही नहीं है, खराब होता ही नहीं है, कोरोजन नहीं होता है। लेकिन दूसरे मेटल के साथ, ठीक है ना, रिएक्शन विद अदर मेटल्स, रिएक्शन विद अदर मेटल्स सबसे रिएक्शन करती है। लिथियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, ये पूरी करनी आनी चाहिए बेटा। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन क्या होगी, इसी तरह से दूसरे मेटल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या होगी। या प्रोडक्ट बनाने नहीं आते हैं कई बच्चों को, क्योंकि उनकी क्लियरिंग ही केमिस्ट्री से डरते हैं, ठीक है ना, उनके कभी वैलेंसी का नॉलेज लिया नहीं उन्होंने, जबकि 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अपने कैसे बनाते हैं कि लिथियम की वैलेंसी +1 लीना की रबड़ी सस्ती, तो कोई भी मेटल हो भले फर्स्ट ग्रुप का, उसकी वैलेंसी वन ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड होता है 2, उसकी वैलेंसी वन इसकी 2, तो क्या आएगा, Li2O आएगा यहाँ पे,
लिथियम ऑक्साइड ऐसे आएगा बेटो, और ऑक्सीजन आइटम दो है, यहाँ एक ही है, तो यहाँ टू लगाओगे, टू टू जा फोर, यहाँ फोर लगाना पड़ेगा, बैलेंस तो बात की बात है, लेकिन यहाँ कंपाउंड कौन सा आएगा पता होना चाहिए। जैसे इसका इसके रिएक्शन से क्या आएगा यहाँ MgO, कैसे आया, कैसे आया MgO, तो पता होना चाहिए मैग्नीशियम की वैलेंसी प्लस टू, ऑक्सीजन की भी टू, दोनों की टू टू, यानी सिंपल रेशियो में क्या हो गया 1:1, 1:1 मतलब इनको पास पास में लिख दीजिए, आ गया ऑक्सीजन दो एटम है या एक ही है, तो फिर यहाँ दो लगाओ, फिर दो लग जाए, तो नॉर्मल बात होनी चाहिए। कंपाउंड क्या बनेगा, इसका क्या आएगा बेटा, एल्यूमिनियम की तीन वैलेंसी और ये ऑक्सीजन की तो दो, तो ये दो, और ऑक्सीजन एल्यूमिनियम की थ्री इसके लग गई, क्रॉस में वैलेंसियाँ लग गई। अब ऑक्सीजन यहाँ पर थ्री है, यहाँ टू लगा दो, यहाँ थ्री लगा दो, यहाँ फोर लगा दो, तो ये आपके ऑक्साइड हो गया। इसी तरह से बेटा एक और चल, ये तो होगी मेटल के साथ, और नॉन मेटल के कंपाउंड्स के साथ कंबशन रिएक्शन भी आनी चाहिए। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, मीथेन है, इथेन है, इनके साथ भी ऑक्सीजन जलती है ना भैया जी, ऑक्सीजन जलाती है, हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन नॉन एज कंबशन। कंबशन रिएक्शन का हमेशा आंसर होता है CO2 और वाटर, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैलेंस करना है, CO2 वाटर ही आंसर आएगा, और हीट बाहर जाएगी, इसको बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन, ये रिलीज होती है माइनस में हीट, और हीट ऑफ कंबशन जो होती है ना बेटा, कंबशन, ये हीट ऑफ कंबशन ही खाना बनता है, इससे मीथेन को जलाओ आप CNG गैस होती है जलेगी, यही बोले इसी तरह से इथेन वो आएगा, बैलेंस करना पड़ता है CO2 वाटर हीट, तो हाइड्रोकार्बन बैलेंस, इसको बैलेंस करते हैं, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन चार है, यहाँ दो लगाओ, तो हाइड्रोजन को फोर करने के चक्कर में ऑक्सीजन दो और दो चार हो गए, तो यहाँ टू लगा दो, तो वन मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी ऑलवेज, तो 1 मोल ऑफ CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। तो केमिकल रिएक्शन मेटल के साथ कैसे करते हैं पता चल गया होगा, कंबशन रिएक्शन क्या होती है पता चल गया बेटा, तो ये थे क्या ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज थी, ऑक्सीजन को कैसे रिएक्ट करवाना है। अब ऑक्सीजन क्या बनाती है, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स को भी पहचान आनी चाहिए, तो व्हाट इज ऑक्साइड एंड टाइप्स ऑफ ऑक्साइड देख लेते हैं, तो इसको भी आपको पता चल गया होगा, साथ साथ आपने नोट कर लिया होगा इसको, अब हेडिंग क्या डालोगे, ऑक्साइड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ऑक्साइड्स क्या होते हैं हम बात करना चाहते हैं, ऑक्सीजन के साथ जो बनेगा वो ऑक्साइड, ऑक्साइड्स एंड देयर नेचर एंड टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, ठीक है ना, तो बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन नॉन एज, नॉन एज ऑक्साइड, नॉन एज ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जो बाइनरी कंपाउंड बनेगा, एक तो ऑक्सीजन होगी और एक दूसरा होगा, उसको बोलते हैं ऑक्साइड। तो बाइनरी कंपाउंड होता है बेटा, देयर आर फोर टाइप ऑक्साइड, एक तो होता है एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, दूसरे होते हैं बेसिक ऑक्साइड, तीसरे होते हैं बेटा एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का क्या मतलब है, एम्फोटेरिक का मतलब है जो एसिड से भी रिएक्शन कर ले और बेस से भी रिएक्शन कर ले बेटा, और चौथा है आपके न्यूट्रल ऑक्साइड, क्या आएगा न्यूट्रल। तो एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, उसकी पहचान क्या है कि जब किसी ऑक्साइड को, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डालो आप, तो या सल्फर ट्राइऑक्साइड इनको पानी में डाल दीजिए आप, तो पता चल जाएगा वाटर के साथ डालते हैं, और यदि कोई एसिड बनता है H2SO3, ये बनता है सल्फ्यूरस एसिड, क्वेश्चन आता है बेटा व्हाट हैपन व्हेन SO2 रिएक्टिव विद वाटर, H2SO3 बनता है सल्फ्यूरस एसिड, एसिड बन रहा है ना, और ये बहुत ही फेमस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को पानी में डाल दिया जाए तो H2SO4 बनता है, किंग ऑफ केमिकल बनता है, एसिड बन रहे हैं तो आपको क्या कहेंगे, ये ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड, जैसे CO2 एसिडिक है क्यों, तो किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ऑक्साइड का नेचर पता लगाना हो तो उसका पानी के साथ देख लो बना करके, एसिड बन रहा है तो एसिडिक ऑक्साइड, सिंपल, CO2 का एसिड पानी में डाले पानी बनते तो एसिड बनता है बॉडी के अंदर, उसका नाम है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, तो CO2 होती है एसिडिक,
सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं एसिटिक। एक और चीज सिखा दूं कि ये नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, जनरली एसिड होते हैं। नॉन मेटलिक ऑक्साइड का नेचर देख लिया जाए तो एसिडिक। तो दो जो ऑक्साइड ठीक है ना विच आर गिव्स एसिड ऑन इन द एक्वस सॉल्यूशन नोन एज एसिडिक ऑक्साइड। ठीक बेटा, बेसिक ऑक्साइड की पहचान क्या है? व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द ठीक है ना ऑक्साइड गिव बेस, जब बेस बन जाता है तो उसको बेसिक ऑक्साइड। ठीक है ना, बेसिक ऑक्साइड किसके होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स जनरली बेसिक नेचर के शो पड़ते हैं बेटा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है उसको पानी में डाल दिया जाए, या मैग्नीशियम ऑक्साइड है पानी में डाल दिया जाए तो बेस बना रहे हैं। देखो बेसिक नेचर पता चल गया होगा, मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बेस बन रहा है, ठीक है ना, बेस बना रहे तो बेसिक ऑक्साइड। तो ऑक्साइड का आपको नेचर पता चला लगाना है, एसिडिक है बेसिक है, ठीक है ना, तो पता चल जाता है। एम्फोटेरिक में क्या होगा, जो क्या होता है बेटा एसिड से भी रिएक्शन कर देते हैं और बेस से भी रिएक्शन कर देते हैं, वो होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में क्या होगा, इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये देखो एसिड से भी रिएक्शन कर लेगा और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस से भी रिएक्शन कर रहा है। एसिड से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, बनाता है कॉम्प्लेक्स, बनाता है वो एसिडिक। ये वाटर के साथ देखो इस तरह का कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना, और बेस वाला है तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है बेटा। तो पता चल जाता है बच्चे को कि वो एसिडिक होगा या बेसिक। एल्यूमिनियम क्या करता है, वाटर के साथ प्लस थ्री वाला कॉम्प्लेक्स बना लेता है और साथ में क्या बनता है 6Cl- बैलेंस करने के लिए अपन इसको ले लेते हैं। तो यहां लगाते हैं अपन 6 और वाटर ले लेंगे साथ में, और बेस के साथ आप क्या देख रहे हो, ये बेसिक सॉल्यूशन बना रहा है, ये बना रहा है बेटा हाइड्रोक्साइड AlOH6, ठीक है ना, और इसी में प्लस 3 की जगह 6 माइनस का है, ये प्लस का 3 है तो यहाँ माइनस का 3 बचेगा, माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से पता चला ये एसिडिक है और ये बेस है, तो इस तरह से पता चल जाता है। और चौथे ऑक्साइड कौन से होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड, जो मोमाया में पढ़ते ही नहीं है, CO है NO है, देयर इज नो रिएक्शन विद द वाटर, ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, ना तो एसिड से रिएक्शन करते हैं और ना ही बेस से रिएक्शन करते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो बच्चों इस तरह से जो है ये ऑक्साइड्स का नेचर पता चल जाता है।